जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल ब्राइट के मास्टर। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बतलाने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट सेक्शन के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, कि उनका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, उनका लास्ट डेट कब है। इस वीडियो के थ्रू आपको बतलाने जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यूअर्स हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एडमिशन में। एडमिशन में जाने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर नोटिस बोर्ड खुल के आ चुका है। और यहाँ पर देखिए नोटिस देखते हैं और यहाँ पर नोटिस बोर्ड में किसी प्रकार का मैसेज नहीं दिया गया है इंटरमीडिएट सेक्शन के बारे में कि इनका फॉर्म कब आएगी, फॉर्म का डेट कब स्टार्ट होगा, उनका डेट कब ख़त्म होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ इंटरमीडिएट सेक्शन का जो फॉर्म है वो जैसे ही टेंथ का रिजल्ट आता है उसके तुरंत ही यहाँ पर वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल में भी तुरंत बतलाया दिया जाएगा कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, पूरे प्रोसेस बतला दिया जाएगा, फॉर्म का डेट कब तक है ये भी बतला दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इनका जो टेंथ के बोर्ड है उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि मड़वारी कॉलेज रांची में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। तो मड़वारी कॉलेज रांची में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि मड़वारी कॉलेज रांची में पढ़ाई कैसी होती है। तो यहाँ पर पढ़ाई साधारण होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते हैं। यहाँ की जो पढ़ाई है वो साधारण होती है। यहाँ पर एडमिशन किस बेसिस पे होता है, यहाँ एडमिशन होता है नंबर बेसिस पे, जिनका नंबर ज़्यादा रहेगा उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और यहाँ पर एडमिशन कराने का जो स्टूडेंट का जनसंख्या रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ का जो फी है वो भी बहुत ही कम लिया जाता है, 4 से 5,000 के बीच यहाँ पर इनका एडमिशन फी लिया जाता है। और यहाँ पर एडमिशन कराने का भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही फॉर्म आपका आता है तो तुरंत अप्लाई कर दे, लेट ना करें। जैसे ही फॉर्म आता है आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ तो दिया हुआ रहेगा फॉर्म कब तक अप्लाई आप कर सकते हैं, उनका डेट। तो जय हिंद जय भारत। अगर किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत।